क्या आप जानते हैं हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां 59 वर्षों से निरंतर चल रहे अखंड कीर्तन के कारण उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। सीताराम दोस्तों, मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूं 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे जामनगर के बाला हनुमान मंदिर के बारे में, जहां पे 59 वर्षों से हनुमान जी सुन रहे हैं राम नाम का अखंड कीर्तन। जामनगर के प्रसिद्ध बाला हनुमान मंदिर की स्थापना संत प्रेम भिक्षु जी महाराज द्वारा की गई थी। उन्हें हनुमान जी के बाल रूप में साक्षात दर्शन हुए थे और उसी रूप में हनुमान जी इस मंदिर में विराजित। वर्ष 1964 में प्रेम भिक्षु जी महाराज ने मंगलमय विजय मंत्र श्री राम जय राम का प्रचार करने के लिए मंदिर में अखंड कीर्तन शुरू किया था, जो आज 59 वर्षों से लगातार चल रहा है। श्री हनुमान जी महाराज को राम नाम अत्यंत प्रिय है। वे राम नाम संकीर्तन करते भी हैं और सुनते भी हैं। वे राम कथा सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के मंदिर में हम जाएं तो वहाँ रामायण का पाठ करना चाहिए। साधारणतया हम हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुंदरकांड का पाठ राम जी के सामने बैठ करके राम जी को सुनाओ तो राम जी विशेष प्रसन्न होंगे, और श्री हनुमान जी के समक्ष बैठ करके रामायण का पाठ करो या श्री राम जय राम संकीर्तन करो तो उससे श्री हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। हमारे प्रेमलीन पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा उनकी प्रेरणा से कई स्थानों में अखंड श्री राम नाम संकीर्तन चल रहा है। उनमें से एक स्थान है जामनगर में बाला हनुमान जी का, और लगातार के राम नाम संकीर्तन से वहाँ की जो एक ऊर्जा बनी है, एक दिव्य शक्ति वहाँ जो हमें अनुभव में आती है, तो साधारण आदमी को, सामान्य आदमी को भी राम नाम संकीर्तन की महिमा क्या है वो जरूर समझ में आता है। एक बार प्रेम भिक्षु जी महाराज वृंदावन गए और वहां उन्होंने हठ पकड़ ली कि जब तक राधा रानी उन्हें खाना नहीं खिलाएंगी वो कुछ नहीं खाएंगे। कई दिन बीत गए, उन्होंने अन्न का एक दाना मुख पर नहीं रखा। कुछ दिनों बाद राधा जी साक्षात प्रकट हुई और उन्होंने महाराज जी को स्वयं अपने हाथों से खाना खिलाया। प्रेम भिक्षु जी महाराज का मानना था कि कलयुग में इस भवसागर से पार पाने का एकमात्र साधन भगवान नाम का आश्रय है। चाहे इंसान में कितने ही अवगुण क्यों ना हो, कली काल में राम नाम ही एकमात्र साधन है मनुष्य के उद्धार का। जैसा कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। प्रेम भिक्षु जी महाराज के भक्त उन्हें चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप मानते हैं। प्रेम भिक्षु जी महाराज आज बेशक प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ ना हो, पर परोक्ष रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये उनकी भक्ति और तेज का परिणाम है जिसके कारण 59 वर्षों से मंदिर में निरंतर चल रहे अखंड कीर्तन के कारण मंदिर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जय श्री राम। राम सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, जय राधे श्याम, सीता राम, जय सीता राम।
श्री सीता राम चंद्र भगवान की जय।